हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे sp2 संकरण के बारे में। sp2 संकरण में एक s व दो p कक्षक मिलकर संकरण करते हैं। हमारे पास यहाँ BH3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड का एग्जाम्पल है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 होता है। बाह्यतम कक्षा में s में दो इलेक्ट्रॉन व p में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह तीनों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि बंध निर्माण में भाग लेते हैं। इन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन से होने पर BH3 का निर्माण होता है। इस प्रकार बोरोन कुल तीन सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। बोरोन के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 3×1 हाइड्रोजन के बराबर कुल 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 6 में 2 का भाग देने से 3 हमें प्राप्त होता है, जो sp2 संकरण उपस्थित होने की व्याख्या करता है। तीन संकरित कक्षकों को अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित करने के लिए इन्हें 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ इनसे हाइड्रोजन के s कक्षक अतिव्यापन कर बंध निर्माण करते हैं। बोरोन हाइड्राइड की आकृति को त्रिविमीय रूप में निम्न प्रकार देखा जा सकता है। यह ज्यामिति समतल त्रिभुजीय प्लेनर ट्रायंगुलर शेप कहलाती है। यहाँ अणु की ज्यामिति व इलेक्ट्रॉन ज्यामिति दोनों समान हैं।